हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरियमटिंग। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आप यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसका एग्जाम कब तक होगा और इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा और क्या लेटेस्ट नोटिस सामने निकल के आई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा दोस्तों सब्सक्राइब करने में, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, आज के डेट में यह पब्लिश कर दिया गया है कि यूपीएससी जो सीएससी का एग्जाम होने वाला था, आपको पता है कि यहाँ पे 27 जून को इसका एग्जाम रखा गया था, तो इसका पोस्टपोन कर दिया गया है। आज ही के डेट में यह न्यूज़ निकल के सामने आई है कि इसके एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और यहाँ पे इसका एग्जाम न्यू एग्जाम डेट रखा गया है 10 अक्टूबर को। यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि 10 अक्टूबर 2021 को दोबारा से यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि इसका डेट जो है अगला एग्ज़ाम डेट 10 अक्टूबर को होगा। लेकिन दोस्तों, जब यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम डेट कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन हम कैलेंडर से इस समझने का प्रयास करते हैं इसके कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहले 10 अक्टूबर वाला जो डेट है वहाँ पे पहले जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो है मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था। देख लीजिए, यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन इस डेट को फिक्स कर दिया गया है अब यूपीएससी सीएससी के लिए। ठीक है दोस्तों, सीएससी एग्ज़ाम के लिए इसको पोस्ट फिक्स कर दिया गया है, मतलब इस डेट में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, जब इस डेट में इसका एग्ज़ाम होगा, इसको फिक्स कर दिया गया है, अब मैं सवाल उठता है स्टूडेंट्स के मन में कि आखिर ईपीएफओ का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, संभावना कब तक बनती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्ज़ाम कराने के लिए अगर जो बोर्ड चाहेगा तो आपका यहाँ पे 4 जुलाई एक डेट बनता है, लेकिन यहाँ पे संभावना कम ही है कि 4 जुलाई को एग्ज़ाम लिया जाए कोई भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यदि मामले कम होंगे कोरोना के तो हो सकता है, संभावना जताई जा सकती है कि हो सकता है कि 4 जुलाई को यहाँ पे एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व जो रखा गया है डेट, रिजर्व डेट में ही संभावना बनती है जहाँ तक इसका एग्ज़ाम कराने का। तो यहाँ पे यदि यह एग्ज़ाम 4 जुलाई को हो जाता है, कोरोना के मामले कम पड़ेंगे तभी यह संभावना बनती है कि इसका एग्ज़ाम 4 जुलाई को हो। लेकिन दोस्तों, अगला जो संभावना है और यहाँ पे मोस्ट जो एक्सपेक्टेड डेट यह हो सकता है, यह दोस्तों यह है 29 अगस्त वाला डेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 29 अगस्त वाला जो डेट है अगला वाला, यह रिजर्व जो है यह वाला डेट जो दोस्तों यहाँ पे अधिकतर संभावना इसी डेट की है कि हो सकता है अगस्त में निश्चित तौर से एग्ज़ाम जाने की संभावना है, अगस्त या फिर सितंबर में। यदि अगस्त में जाता है एग्ज़ाम तो 29 अगस्त को हो सकता है आपका एग्ज़ाम, या तो सितंबर में जाता है तो यहाँ पे एक डेट और है जो कि रिजर्व रखा गया है, वह है 12 सितंबर का। ठीक है, तो अगस्त या सितंबर में यदि डेट जाता है तो 29 अगस्त या फिर 12 सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर 4 जुलाई को एग्ज़ाम कराना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है, यदि मामले कम होंगे तभी यह संभावना बनती है, अदरवाइज़ आप फिक्स यह मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर में ही एग्ज़ाम होने की संभावना है, क्योंकि अक्टूबर में यह फिक्स कर दिया गया है कि यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।